चिड़ियों को उड़ते देखना और उनकी सुमधुर चहचहाट सुनना किसे पसंद नहीं होता। पुणे शहर के पास सुंदरता से भरा उर्ली कांचन का निसर्गोपचार आश्रम एक ऐसी ही जगह है जहाँ स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी कई समस्या का हल प्रकृति से किया जाता है। आहार पद्धति, ध्यान, योग और प्रार्थना ये आश्रम के मूलभूत मंत्र है। आइए निसर्गोपचार और आश्रम के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर अभिषेक देवीकर जी से, जो ये संस्था के डायरेक्टर भी हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें सिर्फ निसर्ग के यानी कि पंच महाभूतिक तत्वों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। इन पांच ही जो महाभूत हैं इनके माध्यम से अलग अलग चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया गया है, जिसे हम आज के दौर में हाइड्रोथेरेपी या मड थेरेपी, मसाज थेरेपी इत्यादि नामों से जानते हैं। अब इस पैथी में सर्दी से लेके कैंसर तक अलग अलग बीमारियों का इलाज होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको किसी भी बाह्य रूपी साधन की ज़रूरत नहीं है। आहार ही सबसे मूलभूत चिकित्सा को माना जाता है और आहार के माध्यम से ही सारे जितने भी इलाज है वो किए जाते हैं। तो सबसे प्रथम होता है कि आपको एक सात्विक आहार दिया जाता है और इस सात्विक आहार से ही आपकी बीमारियों में फ़र्क दिखने लगता है। आप देखते हैं कि एक से दो दिन के अंदर ही आपका दर्द निवारण होने लगता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन है वो कम होने लगती है। अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो धीरे धीरे शरीर से शुद्धि भी होने लगती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही प्राचीन है और उस समय से है, जब से मनुष्य का जीवन है तब से प्राकृतिक चिकित्सा है, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रकार की जीवन शैली है। अब बात आती है निसर्गोपचार या प्राकृतिक चिकित्सा और निसर्गोपचार आश्रम की। तो मुझे बताने में बहुत गर्व होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा की जो पहली नींव रखी गई थी वो महात्मा गांधी जी द्वारा 1946 में रखी गई थी। महात्मा गांधी जी स्वयं एक ऐसे दौर से गुजरे थे जब उनका शारीरिक आरोग्य बहुत अच्छा नहीं था और इस समय उन्होंने अलग अलग पैथी का इस्तेमाल किया और सबसे आखिर में कहीं उन्हें निसर्गोपचार यानी प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव लेने को मिला। प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव लेने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वावलंबन की बात आती है और स्वयं अपने आरोग्य की जो कुंजी है ये हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये दोनों ही उनके मूल सिद्धांत जो थे उसको लेते हुए उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया। 1912 में स्वयं वो इसको भारत में लाके इसका प्रचार प्रसार करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से स्वतंत्रता संग्राम की वजह से वो यह नहीं कर पाए और 1946 में 23 मार्च के दिन वो उर्ली कांचन नाम के इस गांव में आए और यहां पर उन्होंने निसर्गोपचार आश्रम की स्थापना स्वयं की। उस समय से लेकर आज तक 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे, उनके बचाए हुए विचारों पे आज भी निसर्गोपचार आश्रम कार्यरत हैं। तो निसर्गोपचार आश्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब भी आप यहाँ आना चाहते हैं आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या आप जब भी फ़ोन पे संपर्क कर दें तो आपको यहाँ से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। व्याधियों की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रुग्ण होना ज़रूरी नहीं है यहाँ आने के लिए। अगर आप शरीर शुद्धि चाहते हैं, आप मानसिक शांति चाहते हैं या अपने आरोग्य को और सुधारना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आप निसर्गोपचार आश्रम आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए कम से कम आपको 7 दिन का चुनाव करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 दिन एक साथ में रह सकते हैं और 12 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक के सभी लोग यहाँ पर आराम से उपचार ले सकते हैं। अगर आपकी वय या आयु जो जिसे हम कहते हैं 70 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको एक ईमेल लिखने के बाद यहाँ से कन्फर्मेशन आ सकता है और उसके बाद फिर आप एडमिशन कर सकते हैं। थैंक यू। एक प्रश्न, आता नॉर्मल लाईफमध्ये जेव्हा आपण पार्टीजला वगैरे जातो समजा खरं म्हटलं तर त्याला काही शॉर्टकट नाहीच आहे। जे आपण जास्त ओव्हर इटिंग अवॉइड केली पाहिजे खरं म्हटलं तर, समजा नाहीच झालं तर मग पुढचं जेवण जे आहे ते आपण लाईट घ्यायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये फक्त फळ घ्यायला पाहिजे। की तुम्हाला जर हेवीच वाटत आहे तर उगाच दुसऱ्या दिवशी नाश्ता न करता फक्त फ्रुट्स किंवा ज्यूस घ्यायचं।